स्टूडेंट, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आपको क्लास नाइन्थ का मैं पहली फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो क्लास नाइन्थ में मैं थोड़ा सा उसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैं नहीं बना रहा हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो डेफिनेशन थी, मैं डायरेक्ट वो जो लेसन की नंबरिंग थी वहां से मैं आपको इसकी वीडियो बना रहा हूँ। यानी कि जो लेसन है वो फर्स्ट है, वो फर्स्ट लेसन की आपको कुछ टॉपिक्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये बड़े ढंग से आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं, बिना टाइम इन्वेस्ट किए ही हम लोग उसको करते हैं। हमें देखिए विराम, गति और गति के प्रकार, और फिर दूसरी टॉपिक सदिश एवं अदिश राशियां के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां मैं नोट्स वगैरह तो समथिंग करूंगा नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट आपके अंदर भरने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं, हमें विराम की बातें समझते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा विराम क्या होता है और गति क्या होता है। राइट, एक लड़का है, ये है लड़का। मैं पहले विराम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विराम मतलब रेस्ट, कौन सी चीज। एक लड़का है और वो एक जगह खड़ा है, ये रुका हुआ लड़का एक जगह खड़ा है। ओके, और वो एक कार को देखता है, इस कार को देखता है, ये कार भी रुकी हुई है, कार भी रुकी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं समझाऊंगा आपको। तो आप बताओ कि मैं अगर कहता कि इस लड़के ने ये कार को देखा, तो कार जिस पोजीशन पे थी, जहां खड़ी थी, वो तब खड़ी रही। मतलब ये लड़का 9 बजे यहां बैठा था, खड़ा है। ओके, ये कार भी 9 बजे यहां पर खड़ी थी, फिर यहां पर 9:15 हुआ और कार के लिए भी 9:15 ही होगा, लेकिन समय में किसी की पोजीशन बदली नहीं। ये जहां था वहीं पड़ा रहा, ये कार जहां थी वहीं पड़ी रही। तो भाई, अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, उसकी स्थिति जहां पर है वहीं बनी रहे, तो इसे हम लोग कहते हैं विराम में। जैसे एक क्लास में बच्चे पढ़े बैठे हैं, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो एक बेल, फर्स्ट वाली बेल लगी और बच्चे सब एंट्री कर गए, बच्चा बैठा था, और टीचर आता है और उसको पढ़ाता है 40 मिनट की बेल को। 40 मिनट में उस किसी बच्चे की पोजीशन नहीं बदली, जो जहां बैठा था वहीं बैठा है। यानी कि उस समय के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदली, तो उसे हम कहते हैं विराम। विराम उसे हम क्या कहते हैं? विराम। तो विराम आपको समझ में आया कि इसमें क्या होना चाहिए, समय के साथ उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। तो क्या करेगी? नो चेंज ना भाई, समय के साथ इसकी स्थिति नो चेंज नहीं बदलेगी, समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। अगर ये नहीं बदलेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे है, विराम है। तो आई होप विराम समझ में आया आपको। आइए अब इसी की तरह मैं आपको गति समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े मजेदार ढंग से। आप देखिएगा पूरा फुल, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको और बेहतर ढंग से आपको फिजिक्स समझ में आएगी। एक कार है यहां पर, ओके, फिर यही कार समथिंग तो एक जैसी बन नहीं सकती, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। एक जैसी नहीं बन सकती भाई, क्योंकि ये तो बड़ा वही कार, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, इस दोनों कार को समझिएगा। ये कार चल रही है इधर, इधर की तरफ चल रही है। अब चल रही है तो आप कहेंगे गति ही है, तो हम ऐसे सोचते हैं, जब ये 9 बजे यहां से यहां पर थी, तो जब 9:10 हुआ या 9:05 हुआ, 9:10 इतना बजा जब, तो कार की स्थिति बदल गई। पहले वो
स्थान, किसी एक स्थान ए पर थी, कोई एक अलग स्थान था, फिर उसके बाद वो स्थान कहां चली गई, बी पर चली गई, मतलब कि यह समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं गति। समय देखिए बदली, 9 बजे चली थी यहां पर थी 9 बजे, और जब 9:10 हुआ तो वो इस स्थिति पर आ गई, यानी कि अगर समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विराम, आज गति अवस्था में, उसको क्या कहते हैं गति अवस्था में। जैसे एक आकर और एग्जांपल्स ले लीजिए, आप जैसे पैदल ही चलते हैं, पैदल चलते हो आप, ऐसा कुछ विक्रमबाजी वाले ऐसे चलते हो कुछ बैग वगैरह लेके ना, तो आप इधर जा रहे थे यहां पर पहुंच गए, तो आप सोचो कि जब आप यहां से यहां पहुंच गए आपकी समय के साथ बदली है स्थिति, हाँ समय के साथ आपकी स्थिति चेंज हो रही है, और अगर समय के साथ इसकी स्थिति चेंज हो रही है इस लड़के की, तो इसका मतलब कि ये किसमें है गति अवस्था में है। आप साइकिल चलाते हुए जाते हो तो साइकिल आप चलाते हुए स्कूल आना हो आपको, तो आप घर से चलते हैं, तो घर से आप 9 बजे चले, स्कूल मान लीजिए 9:20 पे पहुंचे, तो इसका मतलब आप 20 मिनट के अंदर में आपकी स्थितियां बदली है समय के साथ, तो वो हो गया क्या हुआ, उसे हम लोग कहते हैं गति की अवस्था। ओके, तो दोनों चीज आपको समझ में आई, गति और विराम। अच्छा, अब आते हैं कि जो गतियां हैं वो कितने तरह की होती होंगी। आइए तो यहां हम समझाते हैं आपको गति के प्रकार। ओके, ये गति का प्रकार नंबर एक, एक विमी, थोड़ा सा हम लोग उसको उस तरह नहीं करते हैं, तो हम इस तरह समझाते हैं, एक विमी गति। ओके, और एक इस तरह से द्विविमी गति, एक विमी गति, फिर दूसरी होगी कौन विमी भाई, द्विविमीय गति, इसके बाद एक और होगी त्रिविमीय गति। आइए इन तीनों को थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसे बढ़िया ढंग समझिए और बहुत अच्छा लगेगा। आइए तो करते या ये है, एक विमी गति का मतलब है कोई वस्तु जो है वो केवल एक सीधी लाइन पर ही चलती है। जैसे एक लड़का है छोटा सा प्यारा सा, ये इधर ही जा रहा है, रोड पे जा रहा है, एक कार है वो क्या कर रही है, इस रोड पे सीधे सीधे जा रही है। ओके, एक आदमी है वो इस खंभे पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर चढ़ते हुए जा रहा है। ओके, एक आदमी है वो इस खंभे के ऊपर क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहा है, और भी बहुत सारे, जैसे एक कीड़ा हो या एक रेलगाड़ी है, कीड़ा मतलब जानते हैं कोई कीट है, छोटा सा कीट है, और ये कीट इस तार पे चल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एक विमी का मतलब क्या है, जो गतियां हैं वो कितने तरह की होंगी, उसकी स्थिति तो बदलेगी समय के साथ, ये तो श्योर है, लेकिन वो गति जो कर रहा है वो किस तरह की गति हो सकती है, और कैसे उसको समझेंगे कि गतिशील है कि नहीं। आइए यहां पर हम जो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं इस तरह का, इसमें ये जीरो लेते हैं, मूलबिंदु होता है, इधर एक्स लिया जाता है, इधर वाई लिया जाता है, और इधर जेड लिया जाता है। इन तीनों एक्सिस में से केवल अगर एक एक्सिस के एलांग गति हो रही है, एलांग मतलब के अनुदिश, उसी की तरफ हो रही है, तो उसे हम कहते हैं एक विमी गति। एक्स अक्ष के अनुदिश गति यहां हो रही है, तो आइए एक्स अक्ष के अनुदिश गतियां हो रही है। ओके, कुछ वाई के भी अनुदिश है, जैसे ये किसके अनुदिश है, यक्ष के, ये किसके अनुदिश है, यक्ष के, ये किसके अनुदिश है, यक्ष के, ये किसके अनुदिश है, वाई। लेकिन इन तीनों में से केवल एक ही अक्ष के अनुदिश हो रही है ना,
अगर ये इधर जा रहा है तो एक्स अक्ष के अनुदिश, ये कार इधर जा रही है एक्स अक्ष के अनुदिश, ये जो है वो वाई अक्ष पे जा रहा है, ऊपर है तो वाई अक्ष पे है, तो एक ही अक्ष इसमें है, ये इधर जा रहा है तो एक ही अक्ष पे। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी गतियां जो इस एक्स वाई और जेड में से केवल किसके एक अक्ष के अनुदिश हो, अब ये नहीं बोलना है कि एक्स अक्ष के ही अनुदिश हो, वह एक अक्ष के अनुदिश हो, चाहे वह एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। इस तरह की अगर गतियां होती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सी गति कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय गति। ओके, आइए अब दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज को समझने के लिए आपके पास यहां होना जरूरी ये है कि दूसरी चीज समझिए। आइए अब मैं यही का एक एक आदमी को दौड़ाता हूं एक मैदान के अंदर, पहले समझिएगा उसमें, ये मैदान के अंदर है, ये लड़का एक है, ये इसमें दौड़ सकता है ऐसे ना, इसके दौड़ सकता है, प्लेन है। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, एक जो कार है, कार बना दिया जाए फटाक से ना, और बड़ी कारें ना मंदा बनाई जाए, नहीं तो कहां इसको हम लोग रखेंगे। ये कार हमने बनाया है और ये कार एक एक कार जो है वो वृत्ति पथ के अंदर चल रही है, गतिशील है, ऐसे चल रही है ना। तो इस तरह की जो गति होती है वो कैसी गति होती है और इसको कैसे समझेंगे हम, ये देखिए, अगर हम इसमें एक्स और वाई लेते हैं, दो एक्सिस एक्स वाई और जेड वाला लेते हैं, तो आप सोचो ये जीरो एक्स और ये वाई और ये जेड, तो आप इनमें थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक्स इधर हो गया, वाई ऊपर हो गया, जो जेड होता है वो इसके ठीक सामने इधर होता है। हां जी, तो यहां पर एक इस तरह की चीज है जो ये प्लेन है, वो किसके किसके अंतर्गत आ जा रही है, एक्स के अंतर्गत आ रही है और फिर वाई के अंतर्गत आ रही है, मतलब कि इसमें दो अक्ष नहीं नजर आ रही है, एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो इसमें कितनी है अक्षें आ रही है, दो अक्ष आ रही है, कितनी अक्ष आ रही है, दो एक्सिस आ रही है, और वो कौन कौन सी आ सकती, कोई भी दो एक्सिस, एक्स वाई चाहे वाई जेड चाहे एक्स जेड समथिंग। तो अगर गति एक अक्ष के अनुदिश होती है तो एक विमीय होती है, अगर गति दो अक्ष के अनुदिश होती है तो दो विमीय, यहां पर वो एक्स दिशा में भी जा सकता है, उसका मन करेगा तो इस वाई में भी जा सकता है, लड़का अगर मैदान में घूम रहा है लंबाई में दौड़ सकता है, मन करेगा उसकी चौड़ाई में दौड़ेगा, तो ये इसकी गति जो होगी वह द्विविमीय गति कहलाएगी। अगर कोई उस मैदान में गोल गोल घूम रहा है तो आप देखो इसमें जो गोल गोल हम बनाएंगे इसका, ये देखिए इस तरह का चलने का, वह भी तो यार किसके किसके समतल के अंदर आ रहा है, एक्स और वाई के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये भी दो विमीय गति है। तो इस तरह से ये दो विमीय गति है, दो अक्ष के अनुदिश अगर गति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, दो विमीय, यहां मैं लिख भी देता हूं, थोड़ा सा इसमें लग जा रहा है तो इसे बता देते हैं, यहां भाई दो अक्ष के अनुदिश, राइट, दो अक्ष के अनुदिश। अब यही काम हम यहां पर चलते हैं, ये देखिए इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे हम, आइए देखा जाए, ये देखिए एक घन है, घन बोले तो आप समझ गए होंगे, घन मतलब उसमें तीनों अक्ष होती है, ये एक्स हो गई और ये वाई हो गई और ये होगी जेड ना, तो इसमें तीनों अक्ष है, इसके अंदर एक मच्छर है। ओके, तो बताइए मच्छर कितने तरह से घूम सकता है, तो ये मच्छर हो सकता है उसका मन करेगा तो एक्स में जा सकता है, एक्स की दिशा में,
उसका मन करेगा तो वाई की दिशा में जा सकता है, उसका मन करेगा तो जेड की दिशा में आ सकता है। यानी कि इसमें वो तीनों गतियां कर सकता है, तीनों गतियां कर रहता है तीनों अक्ष की, या फिर वो बीच में कहीं उड़ता है तो उसके पास तीनों अक्ष अवेलेबल होते हैं, तीनों अक्ष उसके पास रहेंगे। यहां बीच में है तो उसकी यहां से कुछ दूरी होगी, यहां से कुछ दूरी होगी, जेड से कुछ दूरी होगी, मतलब तीनों अक्ष से क्या क्या होगी, दूरियां होंगी। तो इस तरह की अगर गतियां होती हैं तो उसे हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। मतलब इसमें दो अक्ष नहीं एक्स वाई जेड, इसमें तीनों अक्ष के अनुदिश रहना चाहिए, अक्ष के अनुदिश। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। तो इस तरह की गतियां क्या कहलाएंगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। तो आइए इस बात को हम समझते हैं थोड़ा और ढंग से। यहां पर इस तरह का हो गया, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हैं, मतलब गैस का अणु है, तो गैस का अणु भाग सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी, मतलब वो तीनों दिशाओं में जा सकता है। तो इसलिए इसकी जो गति होगी वो त्रिविमीय गति होगी। ओके, और कोई चिड़िया है वो इस स्पेस में उड़ रही है, मतलब आकाश में उड़ रही है, तो बताइए वो इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, मतलब तीन अक्ष के अनुदिश गति कर सकती है। तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोग ये जो टॉपिक है इसको हम दूसरे वाले वीडियो में करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले इतना आप देखिए, थैंक यू।